हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वन सेकेंड आवर मैथमेटिक्स यूट्यूब वीडियो लेक्चर आप क्लास 11। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 6.2 व्हिच वाज टोटली बेस्ड ऑन द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। मतलब कि हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल की दी जाती थी और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना, लेकिन अब हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी नहीं बल्कि दो या तीन लीनियर इनइक्वालिटीज देगा और उसका जो कॉमन सोल्यूशन होगा, मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जो सभी लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर सके, वो हमें निकालना होगा। सो आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब इसमें कई इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज हो, ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। मतलब कि कई लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई होंगी, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई होंगी, उनको ध्यान में रख करके हमें उनका कॉमन सोल्यूशन निकालना। तो मेथड वैसे ही करते हैं इसका, जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाती हैं उन सबका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और उसमें जो कॉमन रीजन यानी कॉमन स्पेस, कॉमन जगह जो होती है उन ग्राफ के बीच में, उन लाइंस के बीच में, वही हमारा रीजन, शेडेड रीजन कर देते हैं और वही हमारा सोल्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको एक इनइक्वालिटी दिया 3x + 2y = 6 और इसका ग्राफ आपने प्लॉट किया तो आपको ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। और एक इक्वालिटी इनइक्वालिटी है x = 5 या x = 5 या x = 5 मान लो, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी है या बड़ी कुछ भी है, तो x = 5 y एक्सिस की तरफ से लाइन जाएगी, y एक्सिस से पैरेलल होगी ये लाइन, y एक्सिस से पैरेलल और 5 है तो यहां से कहीं से लाइन जाएगी ऐसे ये। तो इसका जो कॉमन रीजन होगा जहां से लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पे मान लीजिए, तो इसका जो कॉमन रीजन होगा ये लेस देन है। लेस देन का मतलब है कि इधर ये पूरा और ये लेस देन है यानी ये पूरा। इसका कॉमन रीजन देखिए ये पूरा है, यही पूरा रीजन इसका सोल्यूशन बन जाए। तो हमारे कहने का इतना ही बात है कि दोनों का पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं उस इनइक्वालिटीज का, और जो कॉमन जगह होती है, कॉमन स्पेस होता है, वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो आइए अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं और जो कॉमन रीजन होगा उससे शेयर कर लेते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करना अच्छे से आता है, पिछले एक्सरसाइज में देखा है कि लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। आपको इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब पहला है x > r = 3 एंड y > r = 2। तो इन दोनों का अलग अलग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं x = 3 है मतलब y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जाएगी, ये पूरा, और x > r = 3 है तो पहले इक्वालिटी भी है और ग्रेटर भी है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं 1 है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इधर भी ऐसे ले लेते हैं, तो x = 3 ये है हमारा, तो यहाँ पे 3 यूनिट दूर होगी y से, यहाँ से और y के पैरेलल है ऐसे ये लाइन, ठीक। और x = 3 है मतलब कौन से पॉइंट हो गया, आप इमेजिन करो, तो द ग्राफ इज गिवन, ग्राफ इज गिवन और 0,0 से चेक करो कि इधर का फेज होगा पूरा सोल्यूशन इस लाइन के लिए कि उधर का, तो फॉर 0,0 0 > r = 3 विच इज फॉल्स का मतलब है कि ओरिजिन के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन है, मतलब कि ये पूरा पार्ट जो है वो इसका सोल्यूशन है।
अब y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो फॉर y इक्वल टू 2 ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 है मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी और x एक्सिस से प्लस 2 यूनिट दूर होगी, मतलब लाइन ऐसे जाएगी जी इस तरह। ये आपका कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 3 की लाइन है और ये y इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का कॉमन स्पेस, कॉमन रीजन, तो इसके लिए ये पूरा है और कॉमन रीजन ये वाला देखिए, ये वाला रीजन जो है ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन का कॉमन रीजन आएगा, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा ये पूरा। बाकी को आप चाहें पूरा भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे शायद नहीं किए रहिए, बस अपनी जानकारी को समझते रहिए कि हाँ ये है, या तो ये वाला रीजन जो होगा ये सबको छोड़ करके इस वाले रीजन को कलरफुल पेंसिल से कर दीजिएगा ऐसे, या तो एकदम और डार्क कर दीजिएगा ऐसे 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 फिल कर दीजिएगा, यही वाला रीजन जो होगा वो कॉमन रीजन है। ये पूरा रीजन ना, ये पूरा, तो ये पूरा रीजन जो होगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका हो गया पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, जैसे है 3x plus 2y is less than equal to 12, x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 2, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसका सॉल्यूशन तो पहले यहां इक्वालिटी के लिए डिराइव करते हैं, फॉर 3x plus 2y इक्वल टू 12, ये हो गया है। तो इसके भी पॉइंट्स यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि जब x 0 होगा तो y हमारा उस टाइम 6 आएगा और जब y 0 होगा तो x उस टाइम 4 आएगा, देख रहे हो आप 3-4 जगह, तो पॉइंट जाएंगे 0,6 एंड 4,0। तो यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, जीरो कॉमा सिक्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,6 यहाँ पे रहेगा और 4,0 यहाँ पे कहीं आएगा। इसको आप एक डार्क लाइन से मिला देंगे तो ये। अब कौन सा फेस इस इनइक्वालिटी का सलूशन है, ओरिजिन की तरफ वाला कि ओरिजिन से दूसरी तरफ वाला, तो आप ध्यान से देखिए तो आप चेक कर सकते हो। फॉर 0,0 तो 0,0 में हो जाएगा 3×0 प्लस 2×0 इज लेस आर इक्वल टू 12, 0 इज लेस आर इक्वल टू 12, यानी सही है, यानी ओरिजिन वाला पूरा पार्ट इसमें आना है, तो ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा इस इनइक्वालिटी के लिए, किसके लिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। दूसरा इनइक्वालिटी ड्रा करना है फॉर x इक्वल टू 1, y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, एक यूनिट दूर होगी y एक्सिस से, मतलब कि ग्रेटर लेना है तो डॉटेड लाइन लेंगे, ये यहां पर ये पूरा, और y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी ये। तो आप ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों लाइन से है, तीनों लाइन से की तरफ है, तो ये वाला रीजन जो ध्यान से देखिए आप, ये यहां से लाइन गई है तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो है वो तीनों ही लाइन में है, तो यही पूरा रीजन हम अच्छे से डार्क कर देंगे यहां से ये पूरा, ठीक। तो ये पूरा रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, मतलब या तो जब x और y की वैल्यू 0 हो या 0 से ज्यादा हो तो जो सॉल्यूशन मिलता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब x और y दोनों पॉजिटिव में हो तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4
14, 30 या 15 में हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ कई लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ऐसे आपने लाइन ड्रॉ किया है, कैसे गया, एक इस तरह से गया, तो ढेर सारा रीजन आपको मिलेगा। लेकिन आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही लेना है इसमें, क्योंकि एक्स और वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, बाकी सेकंड में होंगे तो इसमें एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कंडीशन भी एक इनइक्वालिटी के जैसे ट्रू होती है, और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 अगर कहीं कंस्ट्रेंट लगाकर देखता है कंडीशन किसी इनइक्वालिटी में, तो आप समझ जाइएगा कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कॉमन रीजन है वही हमारा सॉल्यूशन स्पेस बनने का। तो आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया है कि कैसे कर रहे हैं। आप फिर से एक बार पूरा वर्किंग मेथड समझ लीजिए, जितनी भी इनइक्वालिटीज दी गई हैं सबका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और जो कॉमन स्पेस है, कॉमन रीजन है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, उसे हम और डार्क कर देते हैं, बाकी को ऐसे शेड लाइन से खींचेंगे और उसको एकदम शेड कर देंगे पेंसिल से, तो वो हमारा सॉल्यूशन स्पेस सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 6.3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें देखना है, तो वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपका जो है वो पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि उसी पिछले एक्सरसाइज पे बेस्ड है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए ये जो मैंने पढ़ाया, और इसका बाकी का पूरा ग्राफ जरूर ड्रा कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th में आपको लीनियर इनइक्वालिटी बनानी भी है और ऐसे ही कंडीशन यानी कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व भी करना है। तो अभी से अगर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।